बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ायदा, क्लास 5 उर्दू की टीचर। बच्चों, लास्ट टाइम हमने मोहब्बत और शफ़क़त के पैटर्न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीडिंग की थी। इसकी कॉपी वर्क में मैंने आपको उसका खुशकिस्मत बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था अल्फाज मायने करने हैं, अल्फाज मायने बच्चों आप लोगों ने कर लिए हैं और बहुत अच्छे से मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को। आज हम इसके सवाल जवाब करेंगे। इसमें किताब का नाम लिखा हुआ है शुमैर तर्मिज़ी। किस चीज़ की किताब है? तो शुमैर तर्मिज़ी अहादीस की मशहूर किताब है। सवाल नंबर एक आपका ये है, अहादीस हदीस की जमा है। तो बहुत सारी हदीसों को जब एक जगह जमा किया गया तो उसकी मशहूर किताब बन गई, जिसका नाम है शुमैर तर्मिज़ी। ठीक है, सवाल नंबर दो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार का इजहार किस तरह फरमाते हैं? तो जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार का इजहार इस तरह फरमाते थे कि इनसे ही नरमी और मोहब्बत से पेश आते, इनके सर पे हाथ फेरते थे और इनके लिए भलाई की दुआ फरमाते थे। बच्चे आपके करीब आते तो आप इन्हें गोद में ले लेते, लेटे हुए होते तो बच्चों को अपने पैरों पर बिठा लेते, कभी सीने पर लिटा लेते, राह चलते बच्चों को सलाम करते, उनको चूमते और प्यार करते, फसल का पहला मेवा सबसे कम उम्र बच्चे को खिलाते। सवाल नंबर तीन देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा क्यों किया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा इसलिए लंबा किया क्योंकि हज़रत हुसैन हज़रत तरह जो उस वक्त बच्चे थे, बच्चों की आदत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर बैठ गए, तो इसलिए आपने सजदा लंबा कर लिया कि कहीं हज़रत हुसैन हज़रत तरह गिर ना जाए। अब बच्चों सवाल नंबर चार देखिए, हज़रत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? हज़रत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिम थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10 वर्ष हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। सवाल नंबर पाँच, हज़रत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या इरशाद फरमाया? तो जवाब, हज़रत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया कि मैंने दस हुज़ूर की खिदमत में गुजारे। आप सर ने कभी ना मुझसे मुझे डांटा, ना मारा, ना कभी पूछा कि मैं तुमने ये काम क्यों नहीं किया, और कभी खेल कूद भी लगता है अगर कोई काम भूल जाता तो कुछ देर बाद मुस्कुरा कर फरमाते अब तो ये काम कर दो। सवाल नंबर चार, यहूदी लड़के के वाक्य से आपने क्या बात समझी? जवाब इसका, यहूदी लड़के के वाक्य से हमने ये बात समझी कि हमें हर बीमार की आयादत करनी चाहिए, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, और हर एक के लिए नेक तमन्नाएँ रखनी चाहिए। ये तो था बच्चों क्लास 5 का उर्दू का कॉपी वर्क। अब हम क्लास 5 इसी चैप्टर से उर्दू ग्रामर वर्क कॉपी को देखेंगे। तो हमने ग्रामर वर्क की कॉपी बनाई थी, इसमें भी सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे मोहब्बत और शफ़क़त के पैटर्न, और सवाल नंबर 8 पे देखिए बच्चों, आप बुक में अलामात के बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है कि आपने अलामात लगानी है, तो स्वाद कहाँ लगाना है? आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाना है, सहाबा पे कौन सी अलामत लगानी है, और रहमतुल्ला अलैह अल्लामा इकबाल पे लगाना है। ये मैंने देखी तीनों अलामतें, सुआद वेदवाद और रहे अल्लामा इकबाल पे लगाएंगे। तो इस पैराग्राफ को आपने कंप्लीट करना है। जब आप सफर नंबर 8 पे जाएंगे तो वहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है। डिटेल के बाद आपने एक पैराग्राफ वर्क करना है जो इस तरह करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था इसके बारे में, ये इसका कॉपी वर्क है। इसके बाद वाहिद जमा दी गई है, बहुत आसान है, इन अल्फाज की जमा बनाइए। वाहिद में आप हदीस, आदत, हालत, किताब, खिदमत, वक्त लिखेंगे। हदीस की जमा है अहादीस, आदत की जमा है आदाब, हालत की जमा है हालात, किताब की जमा है कुतुब, खिदमत की जमा है खिदमात, वक्त की जगह जमा है औकात। अब इसके बाद इन अल्फाज के मुतज़ाद बनाइए। ये एक और सवाल है अल्फाज मुतज़ाद का। नंबर एक पे रहमत, मोहब्बत, करीब, दुआ, भलाई, खास। तो रहमत की मुतज़ाद से उलट है जहमत, मोहब्बत का है नफरत, करीब दूर, दुआ बददुआ, भलाई बुराई, खास आम। आम कहते हैं आम सी चीज़ को, अमन चीज़। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कॉपी वर्क कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।